नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कोइंसिडेंस बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सचिन सर, सहवाग सर और रोहित शर्मा सर को तो जानते ही होंगे, जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और तीनों ही अपने टाइम में बहुत ही लाजवाब खेला करते थे। और इनके बारे में आप एक और बात ज़रूर जानते होंगे कि तीनों बैट्समैन ने 200, 200 और 200, यहां तक कि रोहित शर्मा सर ने तो 202 बार बनाए हैं। दोस्तों, सचिन सर ने जो 200 बनाए थे 2010 में, और सबसे पहले 200 उन्होंने ही बनाए थे। इस मैच में वो नॉट आउट रहे थे। इंडिया ने 401 रन बनाए थे 3 विकेट खोके। साउथ अफ्रीका ने जवाब में 248 रन बनाए और ये इंडिया 153 रन से मैच जीता था। दोस्तों, जो अगले 200 बनाए थे वो सहवाग सर ने बनाए थे 219 रन, और अपोजिट में टीम थी वेस्ट इंडीज, ये इन्होंने 2011 में बनाए थे। इंडिया ने इस मैच में 418 रन बनाए, 5 विकेट खो गए। वेस्ट इंडीज ने अगेंस्ट में खेलते हुए 265 रन बनाए और ये मैच इंडिया 153 रनों से जीता। दोस्तों, जो तीसरे 200 बने थे वो बनाए थे रोहित शर्मा सर ने। रोहित शर्मा सर ने 264 रन बनाए, अगेंस्ट में टीम थी श्रीलंका और ये इन्होंने 2011 में बनाए थे। इंडिया ने इस मैच में 404 रन बनाए, 5 विकेट खोके, और अगेंस्ट में श्रीलंका ने खेलते हुए 251 रन बनाए और ये मैच इंडिया 153 रनों से जीता था। दोस्तों, इन तीनों बातों के बताने के बाद भी आप अगर समझ नहीं कि कोइंसिडेंस क्या है, तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। जी, कोइंसिडेंस ये है कि तीनों मैच इंडिया 153 रनों से जीता था, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है, और तीनों मैच में 200 बने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।